पीड़ित महिला पहुंची एसपी कार्यालय, एसपी से लगाई न्याय की गुहार। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर वन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय बीटीयू बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, बीटेक एमटेक पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर एससी एसटी, अप टू रुपीज 30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हसबेंड स्कूल कैंपस, अजमेर। कोली समाज की दलित महिला आज एसपी कार्यालय पहुंची और पूर्व पार्षद सोहन शर्मा के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। इस दौरान कोली समाज से जुड़ी अन्य महिलाओं ने भी इस मामले में उचित जांच कर जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग रखी है। पीड़िता का कहना है कि सोहन शर्मा उन्हें जबरदस्ती परेशान और अश्लील हरकतें करता है। इस मामले में पीड़िता द्वारा रामगंज थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने पर दलित समाज से जुड़ी महिलाएं व पीड़िता खुद एसपी कार्यालय पहुंची और उचित कार्यवाही की मांग की है। और आज आप किससे मिलने हैं, क्या है पूरी घटना आपके साथ? जी, हम एसपी साहब से मिलना है और ना सोहन शर्मा के खिलाफ है। सोहन शर्मा घर में घुस के मुझे बाहों में लेता है, बाहों में लेने के बाद मुझे गंदी गंदी हरकत करता मेरे साथ। और ना बच्चों को ले रखा था मैंने, तो ना बच्चों को बोलता कि ना इसको क्या रख रखा है, तू ना इसको छोड़ मेरी बाहों में आ, मुझे अच्छा लगता है तेरे साथ। मुझे गंदी गंदी बातें करता मेरे साथ और कहता है कि ना तू तो कोली समाज से है, तुझे क्या है, तुझे क्या तेरा पति रखेगा, कुछ नहीं रखेगा तेरा पति, मैं तुझे रानी बना के रखूंगा। कौन है ये? जो सोहन शर्मा पार्षद है, पूर्व पार्षद है। ये है सुभाष नगर का। आपने शिकायत भी दी थी? जी हाँ सर। क्या कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये दी थी? अच्छा, कब दी थी आपने शिकायत? ये शिकायत मैंने 4 तारीख को दी थी। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किससे मिलना है? और आज एसपी साहब से मिलना है। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि ना जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ठीक है। आपका नाम बताएं। जी, भावना। पेश होना है। हमारे पास कल ये महिला आई थी, कोली समाज से, हमारे कल ये हमारे पास आई। इसने जब इसकी पीड़ा हमें बताई आकर कि भाई मेरे साथ इस तरह से सोहन पार्षद है, पूर्व पार्षद, वो इस तरह से मेरे साथ हरकत कर रहा, आए दिन मेरे को हर धमकियाँ दे रहा है। और एक दिन तो उसकी हिम्मत देखिए, घर पर ही आ गया, घर पर कोई नहीं था तो घर पर आ गया और इससे इतनी बदतमीजियाँ करने लग गया। छोटा सा बच्चा है, उसको उठा के फेंकने लग गया कि कल तो डर के मारे क्या बोलती बेचारी महिला। लेकिन इसको रात के 10-10, 11-11 बजे तक फ़ोन करता है। 2-3 बार इसके मैंने कॉल भी देखे तो इसने काट दिया फ़ोन, तो दोबारा कॉल करा और मिस कॉल करता रहेगा और बोलता रहेगा तू तेरे पति को छोड़कर मेरी रानी बन जा, मेरे साथ ऐसा कर ले वैसा कर ले, कोली समाज में क्या रखा है, तू मेरे साथ रहेगी तो मैं तुझे रानी बना के रखूँगा। मुकदमा भी दर्ज कराया और इसने रामगंज में मुकदमा भी दर्ज कराया कि उसके खिलाफ, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। ये कहा जा रहा है इससे कि तुम तो झूठा मुकदमा दर्ज कर रहे हो। कोई व्यक्ति अपनी इज्जत के खिलाफ कैसे मुकदमा दर्ज करेगा? उसकी जांच भी होगी, ऐसा थोड़ी है कि व्यक्ति कह दिया और वो मामला बन जाएगा। उसकी जांच होगी, बाकायदा जांच करनी चाहिए। और मैं तो कहूँ दोषी है वो तो उसको सजा मिलनी चाहिए, तुरंत उसको गिरफ्तार करना चाहिए। क्योंकि अब मुकदमा दर्ज करने के बाद तो वो और ज़्यादा शेर हो गया, कितने क्या कर लिया पुलिस में जाके। आज किससे मिलना है आप लोग? आज हम एसपी साहब से मिलना है इसी बाबत कि भाई कोली समाज का व्यक्ति अकेला नहीं है जो उसको इस तरह से कोली समाज का नाम लेके डराया धमकाया जा रहा है। कोली समाज बहुत बड़ा विस्तार रूप में बसा हुआ है यहाँ पर, अगर उसने इस तरह से हमारी समाज की महिला के साथ किया तो उसको हम न्याय दिलाएंगे। और अभी हमारी एसपी साहब से बात हुई है तो एसपी साहब ने यही कहा है कि हम इसके लिए तुरंत कार्रवाई करवाएंगे। मैं द्रौपदी कोली, राष्ट्रीय महिला।